एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट के बारे में। हमने क्या क्या स्टडी किया? सॉलिड स्टेट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड होते तो हैं, पर वो हमारे चारों कैसे एग्जिस्ट करते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, फिर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड से कैसे डिफरेंट है, ठीक है, वो पैक्ड कैसे हैं, क्या उनमें स्पेस है नहीं है, उसके बारे में स्टडी किया। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में स्टडी किया। फिर आया, अब पैक्ड भी हो गए, क्या हमारे चारों ओर सारी चीजें प्योर है? नहीं है ना कुछ डिफेक्ट कहीं है तो है। हमारे जो भी चीजें हम यूज करते हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है। तो सॉलिड्स में कितने टाइप्स के डिफेक्ट आ सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इम्परफेक्शन मतलब कोई डिफेक्ट, प्रॉपरली नहीं है, परफेक्शन नहीं है उस चीज में। तो उसके बेस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। डिफेक्ट आते हैं, एक आता है पॉइंट डिफेक्ट, एक आता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हुआ, पॉइंट से समझा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक पॉइंट से डिफेक्ट होगा। लाइन डिफेक्ट, एक पूरी लाइन ही स्किप हो जाएगी। देखते हैं ना, आप कई बार टीवी देख रहे होते, पूरी लाइन ही आ जाती है, मतलब पूरी लाइन डिफेक्ट हो जाएगा। या पॉइंट डिफेक्ट हुआ, एक पॉइंट पे डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ए पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। कौन से स्टडी करने वाले हैं हम? टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, डिफेक्ट, ठीक है। अब जो पॉइंट डिफेक्ट है, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा स्टॉकियोमेट्रिक, ठीक है। दूसरा होता है हमारा नॉन स्टॉकियोमेट्रिक, और थर्ड आता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में हम अब डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट आता है स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या होता है? स्टॉकियोमेट्रिक हुआ कि उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं हुआ होगा, ठीक है, और नॉन स्टॉकियोमेट्रिक हुआ कि उसकी क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा, ठीक है, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी कुछ और ऐड हो जाएगी उसमें, उसके बेस पे डिफेक्ट होगा। तो फर्स्ट करते हैं हम स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टॉकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है हमारा, उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट एंड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब ये कितने टाइप्स का है? फर्स्ट है जो इसका, वो है आपका वैलेंसी डिफेक्ट, वैलेंसी डिफेक्ट। सेकेंड आया आपका इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, ठीक है। थर्ड आया आपका स्कॉटी डिफेक्ट। कौन सा आया? स्कॉटी डिफेक्ट। फोर्थ आया आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। अब ये वेरी कैसे एक दूसरे से, ठीक है। तो वैकेंसी होता है कि उसमें कोई चीज निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, पिक्चर में क्या है, वैकेंसी है एक साइड की, जैसे कि ये है, तो इसमें एक मिसिंग हो गया, जैसे कि ये पार्टिकल, ये सॉलिड है, जैसे इसमें से एक मिसिंग हो गया, तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, पिक्चर में देख रहे हो आप, क्या है इसमें, इसमें है कि एक एक्स्ट्रा कहीं से आके ऐड हो गया, तो ये आ गया आपका इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। जो ये दो टाइप्स के डिफेक्ट है, ये क्या होते हैं, आयनिक में नहीं होते, ये डिफेक्ट होते हैं हमारे नॉन आयनिक में, ठीक है। नॉन आयनिक डिफेक्ट, अगर पूछा जाए चारों में से कौन से नॉन आयनिक हैं, कौन से आयनिक हैं, तो आप बता सकते हो कि जो दो हैं, वैलेंसी एंड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, ये क्या है, नॉन आयनिक, और जो स्कॉटी है, ये फ्रेंकल है, ये कैसे है, आयनिक डिफेक्ट, ठीक है। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, क्या है इसमें, कैटायन और एनायन सेम साइज के हैं, है ना, क्लियर शो रहा है। तो कैटायन और एनायन सेम होंगे, और जब सिमिलर दोनों मिस हो जाएंगे, ठीक है, जैसे पिक्चर में देख रहे हो दोनों मिस हो गए, कैटायन भी एनायन भी सिमिलर साइज के हैं, तो ये इस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे स्कॉटी डिफेक्ट। अब कंडीशन क्या चाहिए इसके लिए,
इसके लिए कंडीशन चाहिए कि इसका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो। कंडीशन क्या लगेगी इस टाइप के डिफेक्ट के लिए? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और क्या होगा? सिमिलर, अभी देखा हमने पिक्चर में, सिमिलर क्या होगी इसकी? कैटायन और एनायन, ठीक है? ये हो गया, इस ये कंडीशन होगी तब ये डिफेक्ट होगा। इसके एग्जांपल कौन से आ गए? NaCl, KCl, लिथियम क्लोराइड और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है? तो ये तो आ गया, पर कंसीक्वेंसेस, ये डिफेक्ट होता है तो कैसे क्या होगा, ठीक है? कंसीक्वेंसेस क्या है? तो फर्स्ट आती है, अगर ये डिफेक्ट हो जाए तो क्या होगा? तो इसमें से कुछ रिमूव हो गया ना। देखो पिक्चर में आपने देखा अभी कि जो केटायन एंड एनायन है ये मिस हो गए, तो क्या होगा? इसकी डेंसिटी कम होगी। जितनी अगर आप कोई चीज़ सामान रखा हुआ है उसमें से कुछ निकालोगे तो ऑब्वियसली उसके वेट में फर्क पड़ेगा ना, तो इसमें भी क्या होगा? डिक्रीज क्या हो जाएगी इसकी? डेंसिटी। अब डिफेक्ट आ गया, डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो इट्स नहीं रहा है, आपने सामान से कुछ निकाल लिया आपने, तो वो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्या होगी इसकी? स्टेबिलिटी। अब जैसे उससे रिमूव हुई चीज हुई ना, फिर उससे क्या हुआ? रिमूव होने के बाद उसमें जैसे कि अब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं किसी चीज में, तो क्या होगा? उसमें स्पेस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इजिली मूव करेंगे। तो जैसे कि इसमें डिफेक्ट हो गया, इससे एनायन और कैटायन निकल गए, तो क्या होगा? डिफरेंस मतलब स्पेस बन गया, तो स्पेस क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी इसमें, ठीक है? तो ये थे इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और इसकी कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है चाहिए इसके लिए? फ्रैंक स्कॉटी डिफेक्ट के लिए। स्कॉटी डिफेक्ट किसने बनाया था, डिस्कवर किया था? तो स्कॉटी डिफेक्ट क्या था? स्कॉटी ने कितने में? 1930 में, ठीक है? कहाँ के थे ये? जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है? क्या थे ये? जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है? ये तो आ गया आपका स्कॉटी डिफेक्ट। नेक्स्ट कौन सा था? ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट आपका क्या बोलता है? फ्रैंकल डिफेक्ट बोलता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इसमें क्या है? एनायन और कैटायन डिफरेंट साइज के है ना, तो और क्या करता है? एनायन और कैटायन एक निकल के उसमें से दूसरी पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है? तो इस टाइप का डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको किसने डिस्कवर किया था? फ्रैंकल ने। कब किया था? 1926 में। ठीक, ये कहाँ के थे? ये थे हमारे रशियन साइंटिस्ट, ठीक है? कहाँ के थे? रशियन, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? एनायन क्या होगा, जैसे पिक्चर में देखो आप, एनायन क्या होगा? बिगर साइज का होगा, किससे? कैटायन के, ठीक है? तो क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, क्योंकि वो पोजीशन दूसरी ले लेगा, ठीक है? तो कंडीशंस क्या होंगी कि फ्रैंकल डिफेक्ट राइज हो? कंडीशन क्या होगी इसमें? क्या होगा? लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या होगा? लो कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड कंडीशन इसमें क्या था? सिमिलर कैटायन एनायन, और अभी किया इसमें क्या होगा? बिगर एनायन साइज। क्या होगा? बिगर एनायन साइज देन किसके होगा? ऑब्वियसली कैटायन है, क्या होगा, ठीक है? आयनिक है, क्योंकि कैटायन एनायन होते हैं, ठीक है? ये तो आई कंडीशन, एग्जांपल हो गए। सिल्वर के हैलाइड इसके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है फ्रैंकल डिफेक्ट का। AgI, AgCl, AgBr और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, ठीक है? अब ये तो आ गए कंसीक्वेंसेस, इस डिफेक्ट से होगा क्या? कंसीक्वेंसेस क्या होगा? इसमें क्या था? डिक्रीज डेंसिटी। इसमें क्या होगा? इसमें तो एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब जैसे जो चीज हो, अगर उसमें से कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा? स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होगी ही, तो क्या होगा? डिक्रीज
स्टेबिलिटी, ठीक है। और क्या होगा, जैसे कि पिक्चर में देखा हमने, पिक्चर में देख लो क्या है, इसमें डिफेक्ट राइज हुआ, निकल गया, दूसरा पोजीशन ले ली, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो डिफरेंट टाइप्स के आयंस होंगे वो मिक्स हो जाएंगे, तो मतलब क्लोज आ जाएंगे थोड़े से, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा इसमें, इस डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब पूछ लेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसमें इंक्रीज होगा, ठीक है, और फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ, फ्रेंकल कहाँ के थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कई बार। तो स्कॉटी एंड फ्रेंकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है, आयनिक डिफेक्ट कौन सा है इनमें से, नॉन आयनिक क्या है, तीन ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, तो आप कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक मतलब उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, बट नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कौन सा आया, एक आता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। सेकंड क्या आया आपका, मेटल डेफिशिएंट, ठीक है, डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब नाम से सोचो क्या बोला गया इसमें, एक्सेस मतलब मेटल का एक्सेस होगा, ठीक है, और मेटल डेफिशिएंसी क्या होगा, मतलब मेटल की डेफिशिएंसी होगी, मतलब उसे कम होगा, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप्स का होता है, फर्दर क्लासिफाई है, एक हो गया आयन वैकेंसी एंड क्या होगा कैटायन एक्सेस, ठीक है। अब जैसे कि आपके इस पिक्चर में शो किया गया है, क्या है इसमें, एनायन की वैकेंसी है। एनायन की वैकेंसी जब होती है तो उसको हम बोलते हैं एफ सेंटा वैकेंसी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आ गया, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसमें क्लोरीन की वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एफ सेंटा। फिर नेक्स्ट आता है कैटायन एक्सेस, इसमें क्या होगा, एक्सेस होगी किसकी, कैटायन की, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आ गया जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो इस टाइप का जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इसी कंसीक्वेंसेस क्या है, कंसीक्वेंसेस, ठीक है। अब जब इसमें एक्सेस डिफेक्ट है तो क्या होगा, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हुए, किस टाइप के कंडक्टर हुए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जैसे कि ये इसमें क्या है, एक्सेस है, एक्सेस होगा तो बैलेंस नहीं है, जब बैलेंस हो तो क्या होता है, वो डायमैग्नेटिक होते हैं। अब बैलेंस नहीं है, एक एक्स्ट्रा है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं, पैरा मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, हमें पता है पैरामैग्नेटिक नेचर के जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, ठीक है। ये तो था आपका मैटर एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आपका मैटर डेफिशिएंट डिफेक्ट, क्या आता है, मैटर डेफिशिएंट मतलब इसमें डेफिशिएंसी होगी किसकी, कैटायन की, ठीक है। इसमें क्या होगा, एनायन एक्सेस एंड कैटायन ठीक है। पिक्चर में देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कि इसमें वैकेंसी हुई और इसने कोई और पोजीशन ले ली, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आ गए, जैसे कि फेरस सल्फाइड, निकल ऑक्साइड, इसके एग्जांपल आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एनायन एक्सेस, एनायन एक्सेस में होगा, इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का एक्सेस होगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, क्या देख रहे हो, एनायन की वैकेंसी मतलब एक्सेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। तो ये तो था मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। अब कंसीक्वेंसेस क्या हैं, ये भी सेमीकंडक्टर होते हैं, किस टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, ये होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपको पूछा जाए कौन से एन टाइप के होते हैं, पी टाइप के होते हैं, तो आप इसलिए बता सकते हो पी टाइप के कौन है, मेटल डेफिशिएंट, एन टाइप के कौन है, मेटल एक्सेस, ठीक है। अब ये तो था
नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये कब राइज होता है? जब उसके मतलब क्वांटिटी में फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, ये कितने टाइप्स का है, ठीक है। इम्प्योरिटी से समझ आ रहा है क्यों ये चीज़ प्योर नहीं है, उसमें कुछ और ऐड हो गया है, उसको हम इम्प्योर बोलते हैं, ठीक है। इम्प्योर डिफेक्ट कब होता है, ठीक है, बाय फर्स्ट आता है आपका एडिंग पॉइजन पार्टिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर चीज है उसमें कुछ और ऐड कर देंगे, उस चीज को निकाल के उसमें कुछ और ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप सोडियम को रिमूव कर देंगे, इसके जगह आप स्ट्रॉन्शियम या कुछ भी ऐड कर सकते हो, या क्लोरीन को निकाल दो, कुछ और ऐड कर दो, जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है उसको रिड्यूस करके उसमें कुछ और ऐड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम एडिंग फॉरिजन पार्टिकल, ठीक है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इस टाइप का आ गया। सेकेंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट आता है जब क्या करोगे आप नॉन मेटल्स में, जैसे कि आप ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल में जब नॉन मेटल की एंट्री हो जाएगी, इस टाइप की इम्प्योरिटी को बोलेंगे आप इंटरस्टिशियल साइट इम्प्योरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास माना ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उसमें ना क्या होगा, नॉन मेटल की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, तो उससे इम्प्योरिटी डिफेक्ट राइज होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, ये है आपका टाइटेनियम, इसमें नॉन मेटल कार्बन की एडिशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये है आपका, इसमें नॉन मेटल की एडिशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं नॉन मेटल, क्या बोलेंगे, नॉन मैटर इंटरस्टिशियल साइट इम्प्योरिटी, ठीक है। तो जो इस टाइप की इम्प्योरिटी है, तो वो क्या, उसकी कंसिक्वेंसेस क्या है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका मतलब कोई चीज आप ऐड कर रहे हो तो वो हमारे लिए बुरी ही हो, जैसे कि किसी रिएक्शन में भी वो हो सकता है वो कुछ और ऐड कर दिया उसको, वो प्रॉपरली फ्लो कराने के लिए जरूरत हो, ठीक है। जैसे कि आपकी लाइफ में कई बार कुछ गलत हो जाए, तो क्या सोचते हो आपकी, हाँ बुरा हो गया, हो सकता है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ होता है ना। तो जैसे कि आप गोल्ड लेते हो, गोल्ड जो प्योर गोल्ड होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसके जैसे कि हम ज्वेलरी बनाते हैं वो बनाना भी पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी नॉन मेटल या कुछ भी ऐड करते हैं, जिससे वो क्या होता है, थोड़े हार्ड बन जाते हैं, तो उससे क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हुई। तो वैसे ही हमारे लाइफ में अगर कुछ वैसा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा हो, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है तो डिफेक्ट है, क्योंकि कोई और ऐड होगी, क्योंकि प्योर नहीं है, तो इसमें नॉन मेटल की एडिशन होगी, कहाँ होगी, इंटरस्टिशियल साइट की पे होगी, किसके, ट्रांजिशन मेटल के, ठीक है। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, कंसिक्वेंसेस आगे, फर्स्ट कंसिक्वेंस क्या है इसकी, ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर किसके होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और क्या होगा, अब जो जिसको है उसमें अगर कुछ और ऐड कर दिया जाए, तो वो उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं चलेगा, वो उससे मिक्स होके उसके हिसाब से चलेगा, तो इसकी क्या होगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और क्या होगा इसका, ये हार्ड होंगे, ठीक है, हार्ड हो जाएंगे, एंड इसको रिजिड, ठीक है, हार्ड होंगे। और क्या होगा इसका, हाई डेंसिटी, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे कि ये कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे कि ये, ठीक है, जो इसका स्पेस होता है यहाँ जाके ये फिल हो जाता है, जिसकी वजह से इनको पकड़ स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो इस चार्ट में देखो कितने टाइप्स ऑफ डिफेक्ट किए हमने, तीन, कौन कौन से, एक स्टॉइकियोमेट्रिक, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से हुए, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल साइट और स्कॉटी एंड फ्रैंकल। सेकंड क्या हमने, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक कौन से हुए, एक मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट। फिर आया हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कब राइज हुआ, कि फॉरिजन ऐड हो गया, या सेकंड आया जब इंटरस्टिशियल साइट में नॉन मेटल की एडिशन होगी। ये तो थे आपके कुछ डिफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।